ताहिर के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूं। आप टैग टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत होगी 7 अक्टूबर 2023 के दहशत हमले के एक साल बाद मिडिल की सूरत हाल पर पाकिस्तान में चीनियों के ऊपर एक कातलाना हमले पर जबकि एस का समिट भी पाकिस्तान में चंद रोज बाद होने जा रहा है इस बात का भी जायजा लेंगे कि इस समिट में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की शिरकत से पाकिस्तान को क्या तो कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट्स पर इस बात का भी जायजा लेंगे कि मालदीप के सदर इंडिया आउट की मुहिम के बाद अब भारत के फेरे क्यों लगा रहे हैं इन मामला का भी जायजा लेंगे कि अमरीकी इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं तो सियासी पंडित क्या कह रहे हैं और कनाडा में पंजाबी स्टूडेंट्स के खिलाफ कैनेडियन माशरे और हुकूमत में क्या रिएक्शन चल रहा है तो चलिए आज के शो का आगाज करते हैं हम गोरा से बातचीत के साथ, के साथ अक्टूबर दो हजार तेईस को हम आज की तरफ से दहशत हमले के एक साल बाद मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या है इस पर रोशनी डाली और इसके साथ साथ अब गजा अब इसराइल गजा लबनान और ईरान के साथ चौमिकी लड़ाई लड़ रहा है यानी इसराइल जो है वो चौमिकी लड़ाई लड़ रहा है इस लड़ाई का आपको अंजाम कैसा नज़र आता है देखिए दो बातें हैं एक तो ये है कि एक साल बाद सूरत हाल क्या है मिडल ईस्ट में और दूसरा जो इसराइल की चौमक्खी लड़ाई हिजबुल्ला हमास हुतियों और ईरान के साथ चल रही है इसका अंजाम क्या होगा देखिए पहले मैं अंजाम की तरफ आता हूँ अंजाम इसका मज़ीद तबाही है और इसराइल की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तो ये ख्वाहिश हैं कि किसी तरह से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कला कमा हो जाए मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात की ठीक तरह से जो है ना अवेयरनेस नहीं है कि ये जो कुछ टेररिज्म हो रही है उस खत्ते में हमास के ज़रिए हूतीयों के ज़रिए हिज़बुल्ला के ज़रिए इसके पीछे तो ईरान है और ईरान एक रियासत है तो जब तक वो ईरान को इस तरह की टेररिज्म की फंडिंग सपोर्ट से बाज नहीं रखते यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मसले का कोई अच्छा हल नहीं निकलेगा अब एक साल बाद अगर हम देखें तो इसराइल पे जो एक साल पहले सात अक्टूबर को हमास ने एक सेवेजरी आ, आ, की और एक टेर्रज़म का खौफनाक एक्ट किया जिसमें 1200 मोस्टली यंग लोगों को मारा रफली को दो सौ लोगों को हॉस्टेज बनाया उसके बाद ये वाली नई जंग शुरू हुई फिर इसराइल ने गज़ा में तबाही मचाई अब वो लबनान में तबाही मचा रहा है अंजाम इसका यह था कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नतन ने कहा था कि हम आ, ये जो टेररिज्म के अड्डे हैं दहशत गर्दी के जो अड्डे हैं इनको तबाह कर देंगे उन्होंने गज़ा में हमास के अड्डों को काफ़ी हद तक चलिए रफली हम कह सकते हैं पचास साठ फीसद तक तबाह किया मगर टेररिज्म का माइंडसेट तो तबाह नहीं हो सकता आइडियोलॉजी तो वहीं की वहीं है अभी भी रफली जो तीस चालीस परसेंट रह गए हैं वो दोबारा रीगेन कर लेंगे अपनी पावर को अभी हिजबुल्ला पे शदीद अटैक चल रहे हैं हिजबुल्ला के एक मरकज़ी लीडर हसन नसरुल्ला मारे जा चुके हैं और भी कई उनके लीडर मारे जा चुके हैं ईरान के कई इंपॉर्टेंट लोग मारे जा चुके हैं हमास के लीडर मारे जा चुके हैं और अब ईरान भी मिसाइल हमले कर रहा है इसराइल भी मेरा जवाबन हमले की तैयारी कर रहा है हूती भी हमले कर रहे हैं हिजबुल्ला वाले भी हमले कर रहे हैं इसराइल के ऊपर हमास वाले भी हमला कर रहे हैं और इसराइल भी हमला कर रहा है तो इसका अंजाम मज़ीद तबाही की सूरत में है इसराइल के लिए भी कंसर्नस बढ़ गए हैं इसराइल का जो आयरन डॉम सिस्टम है जो उन मिज़ाइलों को रोक लेता है कहीं कहीं वो क्रैश भी हो रहा है कहीं कहीं मिज़ाइल गिर भी रहे हैं अगर ईरान ने फुल फ्लैज अटैक कर दिया तो ईरान के पास तो बहुत जही है मिज़ाइलों का ड्रोनस का तो इसराइल के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है एक साल बाद आ, हम ये कह सकते हैं कि हमास का काफ़ी कला कमा हुआ है हिजबुल्ला की कमर टूटी है ईरान का मोरल डाउन हुआ है हूतीयों का मोरल डाउन हुआ है इसराइल में भी तबाही हुई है बहुत सारे यहूदी भी मारे जा चुके हैं और कई इसराइली फ़ौजी भी दर्जनों की तादाद में एटलीस्ट हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है वो भी मारे जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि शायद चंद सौ बिकॉज एक साल से चल रही है ये सारी की सारी लड़ाई तो इस सारी सूरत हाल में एक साल बाद अगर हम देखें यानी सात अक्टूबर दो हज़ार तेईस को हमास ने जो बदतरीन और घटिया तरीन टेर्रज़म की थी उसके नतीजा में फलस्तनी भी मारे जा चुके हैं लबनानी भी मारे जा चुके हैं जो आम फलस्तनी हैं जिनका हिज़बुल्ला या हमास से कोई तल्लक नहीं वो भी मारे जा चुके हैं तो क्या इससे हम ये समझें कि दरअसल ह्यूमन uh, कैजुअलिटी नुकसान तो अपनी जगह पे जो जंगों की सूरत में हमेशा होता है लेकिन इसराइल अपने बहुत सारे टारगेट अचीव करने में कामयाब रहा है इसराइल देखिए बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने में कामयाब रहा भी और नहीं भी रहा इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट्स अचीव किए हैं मगर उनका जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये है कि इनका मुकम्मल खात्मा है लेकिन इनका मुकम्मल खात्मा हो भी नहीं सकता तो आप ठीक कह रही हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इसराइल अपने बहुत ज़्यादा टारगेट अचीव करने में कामयाब रहा है मगर ये जो लफ्ज़ अचीव है ये बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे जंगों में इसलिए कि इतनी तबाही होती है इसमें मासूम लोग दोनों तरफ़ से मारे जाते हैं तो जिसके नतीजा में मैं अचीव से ज़्यादा ये कहूँगा कि हाँ टारगेट वो ज़रूर मतलब उनको निशाना बना रहे हैं इसराइल वाले काफ़ी हद तक कामयाब हैं और आ, अगर कोई अचीवमेंट हो सकती है इन तमाम ट्रेजेडीज़ के बाद तो वो ये है कि इस टेर्रिज़म के कैंसर का आ, अगर कोई लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म नतीजा निकल सके कोई इसका वो हो सके सके आ हो चलिए पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का समिट होने जा रहा है और इससे एक हफ्ता पहले कराची में बी एल ए ने एक चीन कौनवाय पर हमला करके दो चीनियों को हलाक और कईयों को जख्मी कर दिया है इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस समिट में जो शर्का होंगे उनकी सिक्योरिटी के ऊपर यकीनी बना सकेगी आप इस पर कुछ तबसरा करेंगे देखिए पाकिस्तान को एस सी ओ समिट में जो भी शर्का हाई आ, लेवल्स के आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना तो फ़र्ज़ है क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का इस तरह का इवेंट बहुत अरसे बाद हो रहा है पाकिस्तान के लिए इमेज uh, बिल्डिंग के अतबार से भी और ऑप्टिक्स के अतबार से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान किसी तरह से uh, इन सिक्योरिटी uh, इश्यूज को काबू में रखे क्योंकि चीनीों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं अब जाहिर है बी एल ए वाले लोग हों बच लिब्रेशन आर्मी वाले लोग हों या टी टी पी के लोग हों या और तंजीमें हैं Uh, उनमें कुछ uh, तो बाकायदा मजहबी दहशत गर्द हैं और कुछ ये बलोच अपने आप को रेबल ग्रुप्स कहते हैं तो इन सब के लिए मैं ये समझता हूँ एक सॉफ्ट टारगेट है इस वक्त कि एस सी ओ के दिनों के दौरान कोई ना कोई ये सिक्योरिटी को बड़ा चैलेंज दें और पाकिस्तान को उस सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है चूंकि इसमें चाइना के भी आ, हाई डेलीगेट्स आ रहे हैं रशिया के भी भारत के जयशंकर साहब पहुंच रहे हैं फिर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं तो काफ़ी बड़ा इवेंट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी दुनिया की नज़रें इसकी हाँ पूर, पूरी पूरी दुनिया की है और इससे कुछ मतलब ये पंद्रह सोलह को हो रहा है तो अभी दो रोज़ पहले ही बी वालों ने कराची एयरपोर्ट के पास चीनी कौनवाए को निशाना बनाया और वो जो चीनी कौनवाए था ऑफ कोर्स उसकी इन्फॉमेशन बीएलए के पास थी अदरवाइज तो मैं तो यही एज्यूम करता हूँ कि बड़ा सीक्रेट वो कौनवाई जा रहा होगा और चीनीों की जो पाकिस्तान में हरकत और हर शकनात अपने काम के कॉन्टैक्स में वो आजकल बड़ी सीक्रेट हुई हुई है क्योंकि चीनीों पर मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं तो इस एस uh, के समिट में चाइना का भी हाई लेवल डेलीगेट आ रहा है जो पहले ही पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ है कंसर्न है तो वो और आ, अपनी नाराज़गी का इजहार अपनी बाईलेट्रल मीटिंग में ज़रूर करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो यकीनी बनाने तो चाहिए मगर शायद पाकिस्तान की रियासत इस काबिल नहीं है कि सिक्योरिटी को जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी को ठीक ठाक तरीके से कंट्रोल कर सकें इस वक्त मेरा ख्याल इंटरनल अफेयर्स इतने नाजुक मोड पे खड़े हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग बात हो गई है कि आप किस तरह इन डेलीगेट्स को इस सवालिया निशान बन गया ना बहुत से लोगों के लिए स्पेशली इस कौन वाई की सूरत हाल के बाद तो चलिए अब इस तरफ आते हैं कि इस समिट में भारतीय वज़ी खारजा जय जी भी शिरकत करेंगे पाक भारत तालुकात में सर्द महरी की फ़िज़ा में पाकिस्तान क्या जयशंकर के दौरा से कोई तो वाबस्ता कर सकता है जी देखिए जयशंकर जी पाकिस्तान जा रहे हैं मेरे ख्याल नौ दस साल बाद भारत का इस लेवल का कोई जो हकूमती अहलकार जा रहा है पाकिस्तान क्योंकि वाकई दोनों देशों के बीच बहुत सर्द महरी है और पाकिस्तान में लोग जो आइस ब्रेक की बात है वो कर रहे हैं लेकिन अब पाकिस्तानियों के भी अंदाज़ा है और हमें भी अंदाज़ा है कि जय शंकर साहब के इस दौरा से दोनों मुल्कों की जो सर्द मैरी है उसमें शायद कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा वो सर्द मैरी बरकरार रहेगी जब तक पाकिस्तान की तरफ से माइंड सेट चेंज नहीं होगा जय शंकर साहब बुनियादी तौर पर वहाँ एस सी ओ के समिट के लिए जा रहे हैं उन्होंने इस बात को वाजे किया है अभी भारत में रिसेंटली अपनी एक बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान एक मल्टी फोरम पे डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ मैं वहाँ पे भारत पाकिस्तान से मुतलका जो इशूज हैं उसमें कोई बात नहीं करने जा रहा ए ये डिफरेंट फोरम है इसकी डिफरेंट एजेंडा है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर के वो बात करना चाहते हैं ये एक डिफरेंट एजेंडा है और एक डिफरेंट एस्पेक्ट है तो जयशंकर साहब के इस दौरा से पाकिस्तान को कोई तो़ात वस्ता नहीं करनी चाहिए और मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान कोई तो वस्ता भी करेगा क्योंकि इतनी ग्राउंड रियलिटीज का उनको भी अंदाज़ा है अब मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी आ, पाकिस्तान में होस्ट होने वाले इस अजलास में इस समिट में क्या कहेंगे अगर तो वो कश्मीर का मसला उसमें छेड़ते हैं जो भारत के नज़दीक वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का Uh, मौजू है वो कोई मल्टी लेटर बात नहीं है अगर पाकिस्तानी जैसा कि वो हर इंटरनेशनल फोरम पे इस मसला को छेड़ते हैं तो जाहिर है भारत की तरफ से फिर उनको कड़ा जवाब मिलता है अगर पाकिस्तानी ये बात करते हैं इस फोरम पे तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी अगर पाकिस्तानी इस मौजू पर बात नहीं करते भारत के साथ अपने इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते सिर्फ इस फोरम के जो इश्यूज़ हैं उनको ही डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ जयशंकर साहब को आ, अच्छा जेस्टर देते हैं अगर वो वो जनरली आ, इन इनके साथ एक फ्रेंडली माहौल रखते हैं और अनफ्रेंडली बातें नहीं करते ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है। तो फिर भारत हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत आइस ब्रेक हुई है लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी बातें करता है तो पाकिस्तान को इंडिया से आइस ब्रेक की कोई तो को नहीं करनी चाहिए पहले ख़ुद आइस ब्रेक करनी चाहिए अपने रवैये चलिए अब बातें हैं भारत की जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और हरियाणा की रियासत के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में कि वो सामने आए हैं और इन पर आपका तबसरा देखिए मैं सबसे पहले तो हरियाणा के इलेक्शंस की बात करता हूँ हरियाणा के इलेक्शंस पे इलेक्शन से पहले ये एक फ़जा बनी हुई थी कि इस बार बीजेपी वहां से हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और ये फजा इवन बीजेपी के कई सपोर्टर जो हैं वो मेरे साथ फ़ोन पे भी अपने ख़दशे का जाहिर कर चुके हैं कि नहीं जनाब बात ये है कि खदशा यही है डर यही है कि कांग्रेस जीत जाएगी जो पोल्स भी बता रहे थे वो भी यही बता रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी लेकिन जब रिजल्ट आए हैं आज सुबह हमारे वक्त के मुताबिक यानी आठ अक्टूबर को तो वो बड़े हैरान कन थे और बीजेपी के लोगों के लिए खुशगवार थे कि बीजेपी वहाँ पे तीसरी बार जीतने में कामयाब हो गई है नबे सीट्स की इसम्बली है उसमें अब तक की जो सूरत हालबन हाल फोटी एट सीट्स आ, ली हैं बीजेपी ने और कांग्रेस ने थर्टी सेवन ली है कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा शौक़ है कांग्रेस वाले आ, जब ये हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं उस बातचीत तक मखमसे में हैं इन इलेक्शन रिजल्ट्स को दिल से तस्लीम करने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। लेकिन बहरहाल उनको ये इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम करना होंगे मगर हरियाणा में बीजेपी की जो तीसरी हैट्रिक जीत है उससे बीजेपी का मोरल बहुत अप हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी भारत में एक जैसे फ़जा बनी हुई थी कि जी हरियाणा के इलेक्शंस तो बीजेपी हारे ही हारे तो ये एक, एक मीडिया में भी आ, ग्राउंड रियलिटी के तौर पर लोगों ने ये एक आ, हवा बना दी थी कि बीजेपी इलेक्शन हारे ही हारे जैसा कि जो जनरल इलेक्शन हुए थे भारत में जो फेडरल इलेक्शन थे उसमें एक फ़ज़ा बनी थी कि बीजेपी स्वीप कर जाएगी इवन चार से पार चली जाएगी मगर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उनके मुताबिक बीजेपी के उतने नंबर ना आए तो एक डिसपॉइंटमेंट थी लेकिन बीजेपी की फिर भी सरकार तीसरी बनी कोलिशन सरकार बनी अब हरियाणा में बीजेपी के जीतने से आ, मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी का मुराल बहुत अप हुआ है अभी काल मन झारखंड और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हैं वो आ, सर पे नज़र आ रहे हैं वो भी चंद हफ्तों बाद होने वाले हैं तो उन इलेक्शंस के सिलसिला में भी बीजेपी का मोरल अप होगा क्योंकि उन इलेक्शंस में ख़ास महाराष्ट्र के बारे में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए वो इलेक्शन जीतने काफ़ी मुश्किल हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सूरत हाल हरियाणा से भी मुख्तफ है क्योंकि हरियाणा में तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था आ, दो ही पार्टियाँ थी वहाँ पर तो कई पार्टियाँ तो यहाँ पे अब बीजेपी की जो जीत है वो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है अब मैं जम्मू के जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की तरफ़ आता हूँ जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी 8 अक्टूबर को आए हैं और इन इलेक्शंस में भी यानी जम्मू कश्मीर की लजस्लेटिम्बली की 90 सीट्स थी जैसे हरियाणा की 90 सीट्स थी इसी तरह उनकी भी 90 सीट्स है तो 90 सीट्स में से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला फैमदी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं और कहा जाता है कि कुछ है छः सात सीटें नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं बाकी कोई बेतालीस तरतालीस सीटें इन्होंने ली हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारह मुझे एग्जैक्ट नंबर दोनों का नहीं पता अगर ब्रेक डाउन किया जाए दोनों ने मिल मिला के नेशनल uh, कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिल मिला के दोनों ने 49 सीट्स ली हैं 46 चाहिए वहाँ पे भी मेजोरिटी के लिए उनके पास मेजॉरिटी है दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जम्मू के इलाके में ट्वेंटी uh, सीट्स ली हैं uh, इन्होंने uh, बीजेपी वालों ने तो ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कहा जा रहा था कि जम्मू में इस बार शायद वो इतनी सीटें ना लेके जा सकें लेकिन उन्होंने भी ट्वेंटी नाइन सीट्स ली हैं अलबत्त जो वहाँ पे बड़े सेटबैक्स हुए हैं वो एक तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पी को हुआ पीडीपी की सारी जो सीटें हैं 25 सीटें शायद उनकी कम हुई हैं इस बार वो सारी के सारी चली गई हैं इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब्दुल्ला फैमिली की पार्टी को तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी को बहुत बुरी तरह धचका लगा फिर ये जो सेपरेटिस्ट पुराने थे और ये जो इस्लामिस्ट हैं इनको भी धचका लगा तो एनी हाउ ये एक दिलचस्प सूरत हाल है दोनों तरफ के इलेक्शन की जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी बीजेपी का मुैला अप हुआ है अगरचे वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट तो नहीं बनेगी मगर मुलाआ है और हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट बन रही है तो उनका मुराल बहुत अप हुआ है चलिए जम्मू कश्मीर असम्बली के रिजल्ट में इंजीनियर रशीद या दूसरे इस्लामिस्ट क्यों नुमाया नहीं हुए हाँ ये बहुत इंटरेस्ट हाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि इंजीनियर रशीद को बहुत अहमियत दी गई इन इलेक्शंस के दौरान आ, भारत के बड़े बड़े मायानाज जो आ, जर्नलिस्ट हैं एंकर्स हैं उन्होंने इनके इंटरव्यू किए इनके साथ इंटरेक्शन किया आ, मैंने इनका एक इंटरव्यू गालबन देखा बरखादत के साथ इंजीनियर रशीद का फिर गालबन राजदीप ने भी इनके साथ कोई इंटरेक्शन किया और भी भारत के बड़े बड़े नामवर लोगों ने इंजीनियर रशीद के साथ इंटरेक्शन किया इवन हमारे कुछ दोस्त हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं यानामीर मीर उनमें से एक हैं उन्होंने तो स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में यहाँ तक कह दिया कि उनको अगले चीफ मिनिस्टर इंजीनियर रशीद बनते नजर आते तो बड़े ये दिलचस्प इलेक्शन थे जो कि दस साल बाद हुए तो इंजीनियर रशीद की पार्टी को मेरा ख्याल सिर्फ एक ही सीट मिली है उसकी वजह ये थी कि इंजीनियर रशीद का क्यों हवा बना हवा भी बना उनकी हवा भी बनी लेकिन उनका हवा भी अब निकल गया और हवा भी निकल गई वो इसलिए बना कि पिछला जो इलेक्शन था फेडरल इलेक्शन भारत का था उसमें इंजीनियर रशीद ने सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला दोनों को हरा दिया था ये दोनों कश्मीर के बड़े लीडर हैं तो इन दोनों को हरा दिया तो अब लोगों का ये ख्याल था कि इंजीनियर रशीद इवन चीफ़ मिनिस्टर बन जाएंगे मतलब इतनी ज़्यादा उनकी हुई पज़ीराई और मैंने उनका इंटरव्यू बरखा दत्त के साथ खास तौर पर देखा तो इंजीनियर रशीद आ, का इंटरव्यू देखने के बाद मैं तो पहली दफ़ा उनका मैंने इंटरव्यू देखा उनके बारे में सुना हुआ था तो इंटरव्यू से पता चलता है जब कोई बात करता है पॉलिटिशियन तो उसका क्या उसकी पोजीशन है या क्या उसका स्टैंड है तो वो कन्फ्यूज से नजर आए ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आए अच्छा है वो अवामी आदमी लेकिन आ, क्या आप इसको पॉपुलिस्ट मूवमेंट के तौर पर वो उन्होंने खुद को जो समझा कि, जो कंडीशन थी जो नहीं, 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 वो ये था कि उन्होंने खुद को समझा कि मैं लीडरशिप बन गया हूं और ए, ए, कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को खतरा था उनका ख्याल था ये पॉपुलर्स लीडर बन गए हैं मगर ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं इसमें उनके पॉपुलर्स होने का और पापुलर होने का जो कि पापुलस और पापुलर होने में फ़र्क है ना दोनों में दोनों गुब्बारों से हवा निकल गई कि ये पता चल गया कि नहीं आ, वो बस पता नहीं वक्ती तौर पर पॉपुलस हुए थे वो भी फेडरल इलेक्शन में और वो भी एक दो सीटें जीतने में उसके बाद अब इन इलेक्शन के रिजल्ट ने बता दिया कि चाहे इंजीनियर रशीद हो चाहे दूसरे इस्लामिस्ट लीडर हों उन सब के गुब्बारों से हवा निकल गई है और मैंने उमर अब्दुल्ला का भी इंटरव्यू थोड़ी देर पहले सुना जो राजदीप और राहुल कमल के साथ था बड़ा अच्छा इंटरव्यू था मैं इम्प्रेस हुआ फ्रैंकली मैं उमर अब्दुल्ला का ये पहला इंटरव्यू है जिससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ उन्होंने न, न, कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा हम उनके साथ काम करेंगे ठीक है हमारी पार्टी डिफरेंट है लेकिन अगर जैसा कि हमें मैंडेट लोगों ने दिया है जम्मू कश्मीर की असम्बली में तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट एक हों तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं या शायद यूँ कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आ ही नहीं सकते थे और बीजेपी को अभी आ, कश्मीर वैली में बहुत काम करने की जरूरत है ताकि उनका इन रोड वहां पर बने लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये एक बड़ी फतह है जो कुछ हरियाणा के रिजल्ट आए हैं या जम्मू कश्मीर के रिजल्ट चलिए अब इस बात का भी जायजा लेते हैं इससे है हाल का कि मालदीप के सदर इंडिया आउट की मुहिम के बाद अब भारत के पेड़े क्यों लगा रहे हैं देखिए मालदीव के सदर मौजू गुन उनका नाम है वो आ, 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 उन्होंने कहा था जी इंडिया आउट एक छोटा सा जजीरा नुमाल के कई जजीरों पे मुश्तम एक छोटा सा मुल्क है बारह से कोई तीन सौ साढ़े तीन सौ किलोमीटर के फासले पे है तो इन्होंने बड़ी शदीद मुहिम चलाई थी कि इंडिया आउट फिर इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने एक्शन भी लिए इंडिया के जो वहाँ पे आर्मी पर्सनल थे इंडिया वो उनको भी बाहर निकाल दिया फिर ये चीन के दौरे पे गए चंद महीने पहले फिर इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की अब मैंने तब भी अपने ब्लॉग में यहाँ कहा था कि भाई चाइना मालदीव से हजारों मील दूर है काफ़ी दूर है तो इंडिया तो बिल्कुल तीन सौ साढ़े तीन सौ किलोमीटर के फासले पर है दूसरा है, इंडिया और मालदीव के रिश्ते बहुत पुराने हैं बहुत पुराने हैं और जो और बिजनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकॉनमी और बिजनेस के अलावा मालदीव की इंडिया पर डिपेंडेंसी बहुत पुरानी है मालदीव हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस में रहता है इंडिया हमेशा उनको पैसा फरहम करता है के मालदीव को दवाइयाँ चाहिए होती हैं तब भी इंडिया देता है आ, पानी की किल्लत हो जाती है पीने वाली पानी की किल्लत हो जाती है तब इंडिया से मतलब हजारों लीटर पानी जा रहा होता है तो मालदीव की डिपेंडेंसी इंडिया पे हमेशा बहुत रही छोटा सा ये एक देश है कई जजीरों पे मुश्तम और इंडिया ही इसके करीब तरीन आ, सबसे बड़ा मुल्क है सिक्योरिटी भी जो है वो उसके अरेंजमेंट्स में सिक्योरिटी का भी इंडिया ख्याल रखता है और खैर मालदीव को किसी और देश से खतरा नहीं होता सवाई चाइना से ही होना होता है कि चाइना से कोई थ्रेट मिलेगा लेकिन अब इंडिया आउट की मुहिम के बाद फिर मुझे याद है अभी चंद महीने पहले ही इनके जो मिनिस्टर्स हैं कुछ आ, इनकी सरकार के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बड़ी घटिया जुबान बरती मैंने भी बड़ा शरीद उनके ख़िलाफ़ ब्लॉक किया और मुझे उनके उन मिनिस्टर्स ने ब्लॉक कर दिया आ, ट्विटर पे तो यानी वो इतने सेंसिटिव्स हैं हालांकि मेरा उस, क्या लेना देना उस वक्त बहुत ज्यादा गरम सूरत-ए-हाल थी सियासी सूरत हाल बहुत गरम गरम तो, थी और उसमें बहुत बहस और बहुत कंट्रोवर्सी भी थी देखिए ये सारी की सारी जो खराबी है ये मालदीव की इसी पॉलिटिकल सरकार ने जिसके मोहम्मद मौजू غالबन इनका नाम है जो प्रेसिडेंट इन्होंने किए थे इन्होंने ही इंडिया आउट का नारा लगाया था इंडिया आउट की टी शर्ट पहन के ये अपने इलेक्शन के मुहिम पे बड़े घूमते फिरते थे फिर ये चाइना गए इंडिया के ख़िलाफ़ सब कुछ करने अभी चंद महीने पहले लेकिन जाहिर है चाइना भी इनको बेल आउट नहीं कर सका फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि हमारी टूरिज़्म भी बर, बर्बाद होगी चूँकि इनके यहाँ इंडियन टूरिस्ट जाते हैं मालदीव में और वो सारी की सारी इनकी जो टूरिस्ट कंपनियाँ हैं वो बैंक करप्सी के दहाने पर आन खड़ी हुई तो उन सब ने इस छोटे से मुल्क के जिसकी चंद लाख आबादी है उन सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सदर को कहा कि तुम तुम्हारा बेड़ा गर्व कर दोगे अपोजिशन ने भी कहा इनकी जमात के लोगों ने भी कहा फिर जब इन्हें जब इन्हें इंडिया से आ, आ, मतलब प्यार की ही ज़ुबान हमेशा मिली है और चीन से इनको कुछ नहीं ख़ास मिला तो फिर ये इंडिया के दौरे उन्होंने ऊपर तले ये दो तीन किए हैं और अभी इस रीसेंट दौरे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल चार सौ से ज़्यादा मिलियन डॉलर इनको दिए भी हैं और इनको आ, इनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी किया है इंडिया ने आ, इनकी तमाम तर बेवकूफियों के बावजूद मालदीव की हुकूमत की बेवकूफ़ी के बावजूद इंडिया की सरकार ने इनको कड़े हाथों नहीं लिया सिर्फ अपने इशारे दिखाए कि अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो हम आपकी बात सुन लेंगे लेकिन फिर आप पछताएँगे और अल्टीमेटली फिर सदर मौजू को उनकी सरकार को अंदाजा हुआ कि भाई हम तो मारे गए तो अब वो इंडिया एक मेरे ख्याल एक पाँच दिन के दौरे पर आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले उनसे आशीर्वाद लिया उनसे अमदाद ली अब वो जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की बड़ी बड़ी जो उनको टूरिज्म का बिजनेस देती थी आ, उन सबसे मिलने जा रहे हैं तो अब वो जैसे कहते हैं कि अपने आने वाली जगह पर वापस आ चुके चल हैं चलिए अब आते हैं अमरीका और कैनेडा की तरफ पहले अमरीका की बात करते हैं कि अमरीकी इलेक्शन जो 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 करीब आ रहे हैं तो सियासी पंडित क्या कहते हैं देखिए आज जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं आठ अक्टूबर है पाँच गलबन पाँच नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में एक महीने से कम का वक्त रह गया है और सियासी पंडित यही कह रहे हैं जो पहले दिन से कह रहे थे कि यह बड़ा कांटेदार मुकाबला है और बिल्कुल नेक टू नेक हैं दोनों पार्टियाँ भी और दोनों लीडर भी और सियासी पंडित ये देख रहे हैं मैंने भी अपनी जो कन्फ्यूजन का इजहार कई शोज़ में किया मुझे भी समझ नहीं आ रही थी पिछले कुछ एक दो शो में मैंने ये कहा कि मुझे अब ये लगता है कि सदर ट्रम्प शायद री एलैक्ट हो जाए एक बार पहले भी सदर रह चुके तो मैं आज भी यही सोचता हूँ जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे मीडिया पे ठीक है मुकाबला बहुत नेक टू नेक है लेकिन सदर ट्रम्प Uh, मुझे अब फील होता है कि जीत जाएंगे ऐसे uh, ही एक परसेंट एज के साथ और अक्टूबर वैसे भी अमेरिकी इलेक्शन पे बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना होता है क्योंकि अमेरिका में हर साल नवंबर के पहले हफ्ते ही इलेक्शन होते हैं तो अक्टूबर में कुछ न कुछ ऐसा पॉलिटिकल पार्टियां दोनों तरफ की गिम्बिट्स करती हैं जिससे इलेक्शन का पलड़ा उनके हक में भारी हो ट्राय ऐसी हाँ, होती है तो, कि जी तो मुझे लग रहा है कि रिपब्लिकन्स का और सदर ट्रम्प का जो पलड़ा बहुत ही माइन्यूट एज के साथ टफ टाइम के साथ जो भी आएगा हाँ, वो नजर होता होता आ रहा हाँ, नहीं देखिए क्लियर मेजोरिटी अमेरिका में क्लियर मेजोरिटी ही होती है जो एक बार जीत जाए उसकी मेजोरिटी होती है चाहे वो पॉइंट वन परसेंट से, से जीते है तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्टी फो, फो, फोर्टी नहीं नहीं वो पे बेस्ट होती अमेरिका में देखिए जो भी इलेक्शन जीतता है चाहे वो माइनर परसेंटेज के साथ जीते उसकी मेजोरिटी तो हो जाती है फर्क पड़ता है कांग्रेस में कितने उनके कांग्रेस मैन है और सेनेट में कितने उनके कांग्रेस मैन और सैनेट कांग्रेस वुमेन ये है इससे फर्क पड़ता है और वहां पे भी मैंने हमेशा देखा है कि दो तीन वोटों का ही प्लस माइनस रहता है अमेरिका की डेमोक्रेसी बड़ी इंटरेस्टिंग डेमोक्रेसी है उसमें बहुत मामूली फ़र्क के साथ भी जो जीता है वो फिर अमेरिका को चलाता चल। है चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर कैनेडा में मौजूद पंजाबी स्टूडेंट्स के खिलाफ कनेडियन माशरे में एक हेटफुल मुहिम चल रही है और हुकूमत भी पचास हज़ार से ज्यादा स्टूडेंट्स को वापस जाने का कह रही है अब आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं देखिए आप ट्विटर पे जाएं इंस्टाग्राम पे जाएं फेसबुक पे जाएं और खास तौर पर ट्विटर पे जिसको आजकल हम एक्स कहते हैं वहाँ पे जो कैनेडियंस हैं कोर्ट अनकोट वाइट कैनेडियंस की तरफ से बेलमूम इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक बहुत एग्रेसिव मुहिम है और उनमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और तौर पर जो पंजाबी स्टूडेंट्स उनके खिलाफ बहुत मुहिम है मैं जब ट्विटर पे जाता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि इतनी खौफनाक कैंपेन चल रही है ख़ास तौर पर जो हमारे पंजाबी बच्चे इस वक्त फास्ट फूड की चेंज में बहुत काम कर रहे हैं और टिम हॉटन उसमें नंबर वन है तो ये जो अच्छा मुहम चलाने वाले उनको कहा जा रहा है कि ये वाइट सुप्रेमिस्ट लोग हैं ऐसी बात नहीं है उनमें कुछ वाइट सुप्रेमिस्ट भी होंगे मगर मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे राइट विंग के लोगों को और इवन आम नॉर्मल लोगों को भी जानता हूँ जो राइट विंग के नहीं हैं मतलब हमारे कुछ हमसाये हैं मैं उनको भी जानता हूँ जो बिल्कुल ही राइट विंग के नहीं है जो थोड़े से सेंटर सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट के हैं सड़क वो इतने खिलाफ हो गए हैं वो आप टिम हॉर्टन पे जाने की बायकॉट का ऐलान कर रहे हैं आप यकीन कीजिए मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़ने का इतफाक हुआ आम लोगों के ट्विटर पे उन्होंने वाकई टिम हॉटन जाना कम कर दिया कुछ ने तो बंद कर दिया वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो टिम हॉटन है वो तो इस तरह के शब्द बर, बरतते हैं कि जी ये सिंग हॉटन हो गया इसलिए उनका ये ख्याल है कि आज पंजाबी बच्चे ही तकरीबन इन में काम करते नजर आ रहे हैं अच्छा ये एक गलत रवैया है जो ये लोग कर रहे हैं जो इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ एज ए कनेडियन पंजाबी बच्चे बेशतर मैं देखता हूँ बड़े हार्ड वर्किंग है बहुत अच्छे बच्चे हैं और भी बच्चे दूसरी कम्यूनिटीज जो इंटरनेशनल कम्यूटीज आए हुए हैं गुजराती बच्चे भी हैं फिर दूसरे देशों के भी अदर दैन इंडिया भी आए हुए हैं लेकिन टारगेट जो बने हुए हैं ना वो पंजाबी स्टूडेंट्स बने हुए हैं अब उनके वर्क परमिट भी जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो भी रिन्यू नहीं हो रहे वो बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अच्छा यहाँ पे मैं उन बच्चों को भी अगर वो उनमें से कुछ मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ जो ये उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूँ ये बिल्कुल उन बच्चों के ख़िलाफ़ ये मुहिम नहीं चलनी चाहिए लेकिन इन बच्चों में से ये बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं कुछ इनमें से ऐसे बच्चे हैं जो डेस्प्रेशन में या कुछ इश्यूज में वो कुछ क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो गए हैं जैसे ये जो ऑटो कार थेफ्ट्स का मसला है उसमें जो नाम आ रहे हैं सामने उनमें बहुत सारे पंजाबी नाम सामने आ रहे हैं फिर लड़ाइयाँ मार उठाइयाँ इनमें बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं अच्छा ये जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना इनके नतीजा में कैनेडियन समाज में फिर उनके खिलाफ एक खौफनाक रिएक्शन बिल्ड हो रहा है मेरा ये ख्याल है कि सेम्यूलेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी के अंदर सेम्यूलेशन के लिए सोसाइटी को लर्न करना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि पंजाबी बच्चे इस सूरत हाल में आते हैं जिसमें स्ट्रगल बहुत होती है तो उस स्ट्रगल में बेचारे बच्चे क्या सीखें क्या सिखाएं, वो तो अपना बनाने जगह बनाने के चक्कर में ही मेरा ख़्याल है बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं बिल्कुल ठीक कह है रही हैं आप कि एक तो वो अपनी जगह बना रहे हैं एक नया है उनके लिए आ, दूसरा आ, आ, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा है बच्चे वो इसमुलेट हो रहे हैं वो अच्छे ढंग के साथ कैनेडियन समाज में घुल मिल रहे हैं रिस्पेक्टफुल हैं कस्टमर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लेकिन उनकी जो आपस में लड़ाइयाँ भी कहीं कहीं होती हैं उनके आपस के जो झगड़े कहीं कहीं होते हैं वो फिर मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं अच्छा जो दूसरे कुछ क्राइम्स उनके नाम के साथ आते हैं वो भी मीडिया में रिपोर्ट होते हैं लेकिन टिम हॉटन के ही स्पेसिफिक मसले को ले लीजिए उसमें इन... क्राइम से ज़्यादा तो आपके कस्टमर के साथ डील के ऊपर होता है ना जो बात मैं कह रही हूँ इस की वो यही है कि एक कॉफ़ी बनाने का तरीका मेरा मुख्तलिफ हो सकता है आपका मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन जो स्टैंडर्ड चेंज होती हैं उनका एक ही तरीका होता है और वही तरीके की आदत है कनेडियंस को कनेडियंस अपनी हैबिट्स में और अपने तमाम उसके अंदर जो यहाँ पर दो एक जनरेशन से पंजाबी भी रह रहे हैं वो भी अपनी हैबिट्स और आदतों में इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि उनके लिए मुश्किल है अब बैक पे जाके उस तरह की डील के वो खुद भी बहुत चीखते हैं इन चीज़ों पे देखिए जो ये चेंज हैं इनमें फूड प्रोडक्शन बेवरेज प्रोडक्शन उनकी सर्विस के एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं मैंने गौर किया चाहे मैं मैकडोनल्ड में जाऊँ वहाँ पे भी मुझे ज्यादातर पंजाबी स्टूडेंट्स uh, नजर आते हैं चाहे मैं किसी भी चेन में जाऊँ इवन ये uh, जो uh, है ब्रिटो की शॉप्स हर फास्ट फूड की चेन पंजाबी बच्चे आते हैं और वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं आलमोस्ट सिर्फ सम टाइम क्या होता है कि uh, जो मुझे इशू नज़र आ रहा है कैनेडियंस का उनके बारे में रिएक्शन टाइम लैंग्वेज का एक जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है टाइम नॉट ऑलवेज ज़्यादा मसला जो पेश आ रहा है वो कनेडियंस में ये आ रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ये हमारे बच्चों की नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है अच्छा क्योंकि कनाडा की इकानमी कनाडा के बिजनेसिस में जॉब्स का जो मसला है वो जो कनेडियंस हैं कोर्ट आन कोर्ट उनकी कम हो गई हैं उसकी वजह भी बड़ी साफ है कि कनेडियंस जो हैं वाइट कनेडियज वो ज़रा प्रिंसिपल्स पे खड़े होते हैं वो कहते हैं हमें मतलब जो आपने सैलरी देनी है वो भी ज़रा दो डॉलर ज़्यादा दें तो बाई द बुक्स बहुत जाते हैं और बाय द बुक्स अकोमोडेशन ज़्यादा थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसके साथ साथ ये भी है कि वो जॉब्स जो समर जॉब्स निकली जाती थी वो जॉब्स जिनको अहमियत ही नहीं दी जाती जिनको ये बच्चे स्टूडेंट्स बच्चे कनेडियन स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो अपनी पॉकेट मनी समझ के किया करते थे वो अब अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि अब जो वर्क फोर्स के अंदर कम प्राइस के ऊपर बेहतर सर्विसेज की एब्जॉर्बेशन के साथ ये बच्चे आ गए हैं तो वो कंपटीशन तो जाहिर है उस पर बहुत स्ट्रिक है फिर एक और मसला है जिस पर कैनिडियन रिएक्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो चेन्स के मालकान हैं अब सच्ची बात यह कि इन चेन के मालकान में से भी ज़्यादातर देसी हुए देसी नहीं है तो मिडल ईस्टर्न हैं और अगर वो गोरे भी हों तो सबका यही ख्याल होता है कि हमें दो डॉलर कम दो डॉलर सस्ती लेबर मिले तो सारा मसला ये इकोनॉमिक्स एक 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 का है अब जो चेंज के मालकान है वो ये कहते हैं कि हम बीस डॉलर क्यों दें अगर हम सोलह डॉलर दे सकते हैं तो ठीक तो है अच्छा, तो, तो वो वो रिएक्शन आ रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे बीस डॉलर पे जब हायर होते थे तो अब आप सोलह डॉलर के दूसरों को हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह कि ये अगर ना होते तो हमारे बच्चों को हायर किया जाता है तो ये अब इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और ऊपर से ये जो कैनेडियन सरकार है लिबरल की जो हुकूमत है इस पर बेपना दबाव है कि इन्होंने बेतहाशा इमिग्रेंट्स बुला लिए बेतहाशा स्टूडेंट्स बुला लिए और इन्होंने बुलाई भी जिसके नतीजा में हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो गई है एक घर जो पाँच छः लाख का कॉन्डो होता था या टाउन हाउस होता था वो अब एक, एक मिलियन का जा चुका है तो वो भी अफोर्डेबिलिटी नहीं रही ऊपर से मॉर्गेज के जो रेट हैं वो भी बहुत ऊपर को जा चुके हैं तो अब ये सारे का सारा जो मलबा है वो स्टूडेंट्स पे गिर रहा है और उन स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं अपनी अपीरेंस की वजह से वो पंजाबी स्टूडेंट्स बने हुए हैं क्योंकि भारत से आई भी बहुत है तो इसलिए ये जो आ, अब कैनेडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है जिन पार्टियों ने यानी एनडीपी ने और लिबरल ने उनको बुलाया था अब वो भी पीछे हट हाँ रही हैं इनकी मदद को इसलिए कि वो भी सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में अगर हमने इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया तो हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे चलिए आपसे हम इस तरह के तबसरे रहे लेते रहेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करते रहेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.